मैं दिल्ली हूँ। मैं देख रही थी किस तरह महाराज पृथ्वीराज चौहान को चकोरी ने धनुष और बाण दिए और उन्होंने अपने बाहुबल से किस तरह एक एक पहरेदार सैनिक का वध किया। उनके बाण ने हवन की दहकती हुई अग्नि को किस तरह शांत कर दिया। राजपुरोहित ने यज्ञ के विध्वंस होने का समाचार जब जयचंद को सुनाया तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि पृथ्वीराज चौहान कन्नौज आकर ये सब कर सकते हैं। इधर पृथ्वीराज चौहान फिर गड़बड़ डांगी के रूप में संयोगिता से मिले और यज्ञ विध्वंस का समाचार उसे भी दिया। जयचंद ने यज्ञ स्थल पर यज्ञ की अग्नि की बजाय केवल धुआं देखा और देखे सुरक्षा पर तैनात सैनिकों के मृत शरीर। दरबार में जयचंद ने महाकवि चंद्रवरदाई को राजकीय सम्मान के साथ विदा किया। तभी राजकुमारी संयोगिता का निवेदन प्राप्त हुआ कि वो महाकवि चंद्रवरदाई और गड़पट डांगी से उन्हें विदा करने के लिए मिलना चाहती है। और मैं सोच रही थी कि पिता और पुत्री के बीच सोच का जो अंतर है, इसका परिणाम सुखद निकलेगा या फिर दुखद। राजकुमारी। महाकवि प्रणाम स्वीकार करें। राजकुमारी संयोगिता का कल्याण हो। सेवा गणपत डांगी का प्रणाम भी स्वीकार करें राजकुमारी। हमने प्रणाम स्वीकार किया, आप भी स्वीकार करें। हमने स्वीकार किया। महाकवि चंद्रवरदाई, ये आपकी विदाई पर एक छोटा सा उपहार है। आपकी सेवा में ये आपके प्रति हमारे सम्मान का एक चिन्ह है, लीजिए। राजकुमारी, आपकी सुदारता के लिए धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका है जो आपने यहाँ पधार कर हमें आनंद कैसे पल दिए जो हम आजीवन ही नहीं भूल सकते। आपने तो हमारी मनोकामना ही पूरी कर दी। और सेवक गणपत डांगी जी। जी जी राजकुमारी जी। राजकुमारी, मैं बाहर जा रहा हूं, आप कृपया गणपत को शीघ्र ही विदा कर दीजिए, क्योंकि नगर का मौसम ठीक नहीं, बड़ी गर्म वायु चल रही है। यज्ञस्थल की अग्नि तो ठंडी हो गई, मगर महाराज जयचंद के मन में जो प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही है वो किसी भी समय भयंकर रूप धारण कर सकती है, और ऐसी स्थिति में हमारा यहां रहना घातक सिद्ध हो सकता है। मैं बाहर प्रतीक्षा कर रहा हूं। जी कविराज। प्रणाम राजकुमारी। प्रणाम महाकवि। हाँ तो राजकुमारी जी, इस सेवक की विदाई के लिए क्या उपहार है आपके पास? सेवक के लिए भी उपहार है हमारे पास। अजी रुकिए रुकिए, देखिए राजकुमारी जी, हम महान कन्नौज की महान राजकुमारी से कोई निर्जीव वस्तु उपहार में नहीं लेंगे। क्या? हमारे पास कोई जीती जागती सजीव वस्तु तो है नहीं,
जो हम आपको उपहार में दे सके। है क्यों नहीं राजकुमारी, है, मगर आपको उसका ज्ञान नहीं है। ठीक उसी हिरने की तरह जिसकी नाभि में कस्तूरी तो होती है, मगर वो उसकी खोज में पागल होकर बन बन भटकती रहती है। तो आप ही बताइए ना कि इस हिरने के पास कस्तूरी भेंट में देने के लिए कहां रखी है। राजकुमारी, क्या आपने कभी अपने मत भरे रस से छलकते अधरों को देखा है? नजरें उठाइए राजकुमारी, और अपने सेवक के इन प्यासे अधरों को भी देखिए। क्या चाहिए आपको? अधरों से अधरों की बात एक पल के लिए हो जाए तो इनकी प्यास भी बुझ जाएगी और हमें अपनी विदाई का उपहार भी मिल जाएगा। क्या उपहार लिए बिना ही जाना पड़ेगा इस सेवक को राजकुमारी? महाराज, राजकुमारी, धन्यवाद राजकुमारी, धन्यवाद। आपके राज्य में एक सेवक को भी इतना मान सम्मान मिलता है। इस बात को तो ये सेवक जीवन भर नहीं भुला सकेगा। मुझे आज्ञा दीजिए राजमाता। अरे राजमाता, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राजमाता, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि जाते जाते आपके भी दर्शन हो गए। यदि असावधानी में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दे राजमाता। अब आप प्रणाम। पुत्री, आकाश अगर धरती के चरण छूता है तो यह केवल भ्रम है, वास्तविकता नहीं। मासा, ये आप क्या कह रही हैं? आज मेरी आंखों ने जो कुछ देखा है, काश उसे देखने से पहले ये धरती फट जाती, मैं इस पे समा जाती। मैं तो कभी सपने में भी इस बात का विश्वास नहीं कर सकती कि मेरी पुत्री, एक क्षत्राणी की पुत्री, इस राज्य की राजकुमारी, एक सेवक का आलिंगन भी कर सकती है। मासा, अब ये मत कहना कि जो कुछ मैंने देखा है वो भ्रम था, मेरी आंखों का धोखा था। मैं ये बात तो मान सकती हूँ कि सेवक गणपत डांगी की प्रतिभा को देखकर कोई भी आकर्षित हो सकता है, किंतु एक राजकुमारी जो इतने बड़े राज्य की मर्यादा है, इतने बड़े राज्य का सम्मान है, उसे कभी आकर्षित नहीं कर सकती। मासा, हमने ऐसा क्या किया है जिसके कारण आपको ये सारी बातें कहने की आवश्यकता पड़ गई है? हमारी अंतरात्मा शुद्ध है मासा, और हम अपनी मर्यादा की सीमाओं को भी जानते हैं। नहीं पुत्री, तुमने अपनी मर्यादा की सीमाओं का उल्लंघन किया है। कवि चंदवरदाई का एक साधारण सा मामूली सा सेवक गणपत डांगी, जिसका काला कलूटा रंग, जिसकी वेशभूषा देखकर मन में घृणा से उत्पन्न होती है, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो तुम्हारे शरीर का आलिंगन भी कर सकता है। मासा, शरीर का सौंदर्य रूप से नहीं, रंग से नहीं, अंतर मन से परखा जाता है। और मासा, हमने तो केवल गणपत डांगी की काव्य प्रतिभा का सम्मान करना चाहा था। काव्य प्रतिभा का सम्मान कुछ स्वर्ण मुद्राएं हो सकती थी, कोई उपहार हो सकता था। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी पुत्री का आकर्षण केंद्र
एक निकर्षित व्यक्ति एक सेवक हो सकता है? नहीं मासा, नहीं, वो कोई निकर्षित व्यक्ति है और न ही किसी का सेवक। क्या? हाँ मासा। तो फिर कौन है वो? नहीं मासा, हम अभी आपको नहीं बता सकते। नहीं पुत्री, अब तो तुझे बताना ही पड़ेगा। तू हमारी इकलौती लाडली पुत्री है, लेकिन मैं तेरे सर की सौगंध खाकर कह दूं कि अगर वास्तविकता मेरे सामने नहीं आई तो मैं आत्मघात कर लूंगी। मासा। हाँ पुत्री, तू नहीं जानती इस समस्या के साथ मेरा आत्मसम्मान जुड़ा हुआ है। अगर किसी को इस बात की भनक भी पड़ गई तो कोई भी अनर्थ हो सकता है। और पुत्री, मैं तुझे कन्नौज के सम्मान को दाव पर लगाने नहीं दूंगी। पुत्री, अगर मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वही होगा जो मैंने कहा है। नहीं मासा, नहीं। मैं देख रही हूं पुत्री कि सत्य को स्वीकार करने में तुम्हें संकोच हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि मासा के प्राणों से भी कोई अधिक प्रिय है तुम्हें, जिसके लिए तुम कुल की मर्यादा को भी दाव पर लगा रही हो। ठीक है पुत्री, मैं जा रही हूं। मासा, ठहरिए। हमने श्लोक में पढ़ा है, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य न बोलो। आप सुनना चाहती है ना, तो सुनिए। हमारे मन में दबे अप्रिय सत्य को, वो गणपत डांगी जिसके आलिंगन में आपने हमें देखा था, वो कोई और नहीं, स्वयं सांबर नरेश, महाराज पृथ्वीराज चौहान है। क्या? अन्नदाता की जय हो। औरा वाला, यह समाचार तो आपको मिल ही गया होगा कि पृथ्वीराज चौहान ने हमारा यज्ञ विध्वंस कर दिया है। जी हाँ महाराज, मुझे इस दुखदायी घटना का समाचार मिल चुका है। लेकिन महाराज, जब तक मैं जीवित रहूंगा यह घटना मेरे मन को, मेरी अंतरात्मा को कचोटती रहेगी। इसमें आपका क्या दोष है रावाला? इस बात का तो हमें अनुमान ही नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान इतना बड़ा दुस्साहस कर सकता है। इस बात की तो हमें सपने में भी आशा नहीं थी। दुस्साहस का दूसरा नाम पृथ्वीराज चौहान है महाराज। यदि ऐसा ना होता तो मुझसे मिलकर मेरे सामने से जीवित बचकर नहीं जा सकता था। ये आप क्या कह रहे हैं रावला? जी हाँ महाराज, ये बात बिल्कुल सत्य है कि महाराज पृथ्वीराज चौहान ने मेरी चंद पलों की व्यवस्था का पूरा लाभ उठाया है। व्यवस्था? कैसी व्यवस्था? इसे आप चौहानों की वीरता भी कह सकते हैं महाराज। रावला, स्पष्ट रूप से कहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। महाराज, कल रात जब मैं यज्ञस्थल का निरीक्षण करके अपने कक्ष में विश्राम करने के लिए बैठा ही था कि उसी समय महाराज पृथ्वीराज चौहान की तलवार की नोक मेरी गर्दन पे आ लगी। पृथ्वीराज चौहान की तलवार की नोक? जी हाँ महाराज, वो मेरे कक्ष में अपनी तलवार लेने आए थे। राजपूत सूरमा जो ठहरे, उनकी तलवार किसी शत्रु के घर में पड़ी रहे, ये बात वो कैसे सहन कर सकते हैं? लेकिन महाराज, मुझे आश्चर्य तो उस समय हुआ कि जब वो मेरा वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। दुनिया का और कोई भी आदमी होता जिसके हम इतने बड़े शत्रु हैं, वो सबसे पहले मेरी गर्दन पे वार करता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने तो केवल इतना कहा कि वो निहत्थे पर वार नहीं करते, और उनकी इसी वीरता ने मेरे हाथ पांव जकड़ दिए। वीराला, वो बड़ा चलाक आदमी है, ये उसकी एक चाल थी। संभव है उनकी चाल हो, मगर उन्होंने मुझे जीवन दान दिया है, और आला को जीवन दान देने वाला चाहे उसका कितना बड़ा शत्रु क्यों ना हो, मगर उसे अपने उपकार के बोझ के तले दबाकर नहीं रख सकता। मैंने भी जीवन दान के बदले उसे एक बार का जीवन दान दे दिया, मगर महाराज, मैंने एक बात उसे स्पष्ट रूप से कह दी कि हम कल भी शत्रु थे और आने वाले कल में भी शत्रु ही रहेंगे। किंतु महाराज, उनके यहां आने का कारण बड़ा हास्यास्पद है।
वो कनौज की किसी कन्या से प्रेम करते हैं और उनका कहना था कि उसी से मिलने का वचन निभाने आए हैं। उसने कहा और आपने विश्वास कर लिया? महाराज, मैंने देखा कि उनकी बातों में सच्चाई है। रावला, बड़े आश्चर्य की बात है, आप इसे वचन का पालन कहते हैं। क्यों नहीं मानता महाराज, उन्होंने मुझे एक वचन दिया और उन्होंने उस वचन का पालन भी किया। और वो वचन क्या था रावला? और वो वचन ये था महाराज कि वो आपका वध नहीं करेंगे। रावला! महाराज, ये सत्य है कि उन्होंने अपना वचन निभाया है, वरना जितनी आसानी से वो मुझ तक पहुंच गए थे, उनके लिए आप तक पहुंचकर आपका वध करना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। रावला, इस बार तो वो आपको जीवन दान का चकमा देने में सफल हो गया, लेकिन इसके साथ साथ वो अपने जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी हमारे हाथ में देकर चला गया। रावला, अगर इस बात का पता चल जाए कि वो किस कन्या से प्रेम करता है, तो पृथ्वीराज चौहान को अपने जाल में फंसाना बहुत आसान हो जाएगा। वो गणपत डांगी जिसके आलिंगन में अपने हमें देखा था, वो कोई और नहीं, स्वयं सांबर नरेश, महाराज पृथ्वीराज चौहान है। स्वयं सांबर नरेश, महाराज पृथ्वीराज चौहान है। स्वयं सांबर नरेश, महाराज पृथ्वीराज चौहान है। क्या बात है महारानी, आप कुछ परेशान सी दिखाई दे रही हैं। हाँ महाराज, राज्य में जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, उसे देखकर परेशानी तो होगी ना। महारानी, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। पृथ्वीराज चौहान ने जो कुछ भी किया है वो हमारी थोड़ी सी असावधानी के कारण हो गया, मगर अब हम सतर्क हो गए हैं। हमने अपनी सीमा के चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात कर दिए हैं। अब पृथ्वीराज चौहान का हमारी सीमा के बाहर जाना बहुत मुश्किल हो गया है। मगर महाराज, जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान है वो बड़ा ही चतुर है। पिछली बार तो वो धरती सिंह के वेज में आया था। हाँ महारानी, लेकिन अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमें पृथ्वीराज चौहान की कमजोरी का पता चल गया है। कमजोरी का? हाँ महारानी, पृथ्वीराज हमारे राज्य की किसी कन्या से प्रेम करता है। क्या? हाँ महारानी, एक बार इस बात का पता चल जाए कि वो कन्या कौन है, तो पृथ्वीराज चौहान का पकड़ा जाना निश्चित हो जाएगा। बस उसके बाद उसकी गर्दन होगी और हमारी तलवार। अन्नदाता की जय हो। क्या बात है दासी? सेनापति जी पधारे हैं, उन्हें अंदर भेज दो। जी अन्नदाता। महारानी, देखे सेनापति क्या समाचार लाए हैं। महाराज की जय हो। क्या समाचार है सेनापति जी? महाराज, अभी अभी सीमा से समाचार आया है कि महाकवि चंद वरदाई और उनके सेवक गणपत डांगी के अलावा और किसी व्यक्ति ने सीमा पार नहीं की है। केवल इन दोनों को ही आपके आदेशानुसार सीमा पार करने की अनुमति दी गई। इसका अर्थ यह हुआ महाराज कि सांभर नरेश पृथ्वीराज चौहान अभी तक हमारे राज्य में ही हैं। हाँ सेनापति, उसे खोजने के लिए सेना की और टुकड़ियां बढ़ा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। चलिए महारानी, विश्राम कीजिए, अब जो होगा कल देखा जाएगा। नहीं महाराज, आप विश्राम कीजिए,
मुझे तो सचमुच नींद नहीं आ रही। ठीक है, क्या बात है पुत्री, तुम अभी तक सोई नहीं? मासा, आप इतनी रात गए यहाँ? पुत्री, अगर इस बात की चिंता तुम्हें सता रही है कि महाराज पृथ्वीराज चौहान और महाकवि चंदवरदाई का क्या हुआ, तो पुत्री अभी अभी सेनापति ने आके सूचना दी है कि वे दोनों कन्नौज राज्य की सीमा पार कर चुके हैं। मासा, इस सूचना के लिए धन्यवाद। पुत्री, अगर इतनी सी बात तुम्हें रात जागने पर विवश कर सकती है तो उस बात का अनुमान लगाकर देखो। जब तुम्हारे पिताजी को इस बात का पता चल जाएगा कि तुम महाराज पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती हो, तब क्या होगा? तब क्या होगा मासा? ये तुम मुझसे पूछ रही है? दोनों राज्य के लोग पहले से ही एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं। दोनों तरफ के लाखों निर्दोष लोग मारे जाएंगे, रक्त की नदियां बहेंगी। पुत्री, केवल विनाश ही विनाश होगा, और इसमें शायद तुम्हारे प्रेम का अंत भी हो सकता है, या फिर मेरे पति और तुम्हारे पिता का वध भी हो सकता है। मासा, भाजा जा पुत्री, इस विचार को अपने मन से निकाल कर फेंक दे। ये विचार केवल विनाश ही विनाश लाएगा पुत्री, केवल विनाश ही विनाश लाएगा। मासा, जिस बात की आपको आशंका है उस बात का उल्टा भी तो हो सकता है। इसका उल्टा क्या हो सकता है पुत्री? मासा, जरा ध्यान से सोचिए, यदि हमारा विवाह महाराज पृथ्वीराज चौहान से हो गया तो ये दोनों राज्यों के बीच एक नया संबंध होगा। तब महाराज पृथ्वीराज चौहान अपना पुराना बैर भूलकर कन्नौज से मित्रता कर लेंगे। और ये भी तो हो सकता है कि पिताजी उन्हें जामाता समझकर अपनी पुरानी शत्रुता भूल जाए और फिर हमारा प्रेम इन दोनों शत्रु राज्यों के बीच एक पुल का काम भी तो कर सकता है। हम पर विश्वास कीजिए मासा, हम आपको वचन देते हैं कि हम इस असंभव को संभव कर दिखाएंगे। पुत्री, इतना विश्वास है तुम्हें अपने आप पर? नहीं मासा, हमें विश्वास है अपने प्रेम पर, हमें विश्वास है महाराज पृथ्वीराज चौहान पर। अब बस हमें आपका आशीर्वाद चाहिए मासा, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। पुत्री, मासा, महाराज, महाराज, हमने पुत्र पृथ्वीराज को गोद लिया, उसका राज्याभिषेक कर दिया, किंतु अभी एक उत्तरदायित्व शेष है हमारा।
रानी से हम जानते हैं कि आप क्या कहना चाहती हैं, और हम भी आपको एक शुभ समाचार सुनाना चाहते हैं। शुभ समाचार? जी हाँ रानी सा, एक बार पृथ्वीराज को कन्नौज से वापस आ जाने दीजिए, फिर देखिए कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता हमारी पुत्रवधु होगी। हमारी पुत्रवधु? वो भी कन्नौज नरेश की पुत्री? हाँ रानी सा। महाराज, महाराज ये कैसे संभव है? कन्नौज और अनंगपुर की शत्रुता तो जग जाहिर है। इन दोनों राज्यों में तो केवल युद्ध हो सकता है, विवाह नहीं। रानी सा, ये एक भेद की बात है, बस आप हमारे पुत्र पृथ्वीराज को लौट कर आ जाने दीजिए, फिर हम आपको सारी बातें समझाएंगे। अन्नदाता की जय हो। तुर्किस्तान से आए यवन महात्मा आपसे मिलना चाहते हैं। क्या यवन महात्मा? हमने तो सुना है कि यवन लुटेरे होते हैं, आक्रमणकारी होते हैं, लेकिन महात्मा? उन्हें सम्मानपूर्वक अंदर ले आओ। जी अन्नदाता। बड़े आश्चर्य की बात है, यवन महात्मा। हक। महाराज अनंतपाल और महारानी की खिदमत में फकीर का सलाह। हक। नस्सुल्लाह वफतुहुम करीब। हम दरवेश इंसानों के आगे सर नहीं झुकाते, अगर ये सर झुकता है तो सिर्फ उस माबूद हकीकी के सामने। महात्मा, हम भारतवासी हैं, चंद्रवंशी हैं, हम साधु संतों और महात्माओं के आगे सर झुकाते हैं। कहिए, आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया? महाराज, मैं गजनी से आया हूं। मेरा एक मुरीद मीर हसन आपकी पनाह में है। अच्छा, तो आप सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी के छोटे भाई मीर हसन की बात कर रहे हैं? जी हाँ महाराज, मेरी मुराद उसी मीर हसन से है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उससे मिलना चाहता हूं, और मेरा मिलना उससे इसलिए जरूरी है क्योंकि मेरे मुरीद की जान खतरे में है। मैं उसकी जिंदगी के लिए दुआ करना चाहता हूं। महात्मा जी, मीर हसन को हमारे पुत्र पृथ्वीराज ने राजनीतिक शरण दी है, इसलिए मीर हसन की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी हमारे पुत्र पर है। आप उसकी सुरक्षा की बिल्कुल चिंता ना कीजिए। हक। महाराज अनंगपाल तोमर, आप ये कहना चाहते हैं कि आपके बेटे की तलवार में फकीर की दुआओं से ज्यादा असर है? नहीं महात्मा जी, हम ये कहना चाहते हैं कि हम राजपूत हैं, जो एक बार जिसे वचन दे देते हैं उसे पूरा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। आप निश्चिंत रहिए महात्मा जी, मीर हसन की जिंदगी को तब तक खतरा नहीं है जब तक हमारे प्राण बाकी हैं। महाराज, मुझे आपकी नियत और वचन पर जरा भी शक नहीं है, लेकिन जिंदगी और मौत पर इंसान का कोई बस नहीं होता, वो तो कुदरत के कब्जे में होती है। तदबीर बेशक इंसान करता है, लेकिन होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है, और वो तकदीरों को लिखने वाला फकीरों की दुआएं सुनता है। महाराज, मेरी गुजारिश है आपसे, आप इसे अपनी अना का मसला ना बनाएं। अगर आपने मीर हसन को दोस्त समझकर पनाह दी है तो मैं भी खैरख्वाह हूं, मुझे भी उसकी जिंदगी अजीज है। अब अगर आप ये बताने की जहमत गवारा करें कि मीर हसन कहां है तो बड़ी मेहरबानी होगी महाराज। क्यों नहीं, आप एक संत महात्मा हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमने किसी यवन महात्मा के दर्शन किए। हम इस पर भी विश्वास रखते हैं
कि संतों के आशीर्वाद से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है। आप थोड़ी देर यहां विश्राम करें। नहीं महाराज, यह नहीं हो सकता। मैंने अहद किया है कि जब तक अपने मुरीद की शक्ल नहीं देखूंगा पानी भी नहीं पीऊंगा। अब आपने ऐसी बात कह दी कि हम आपको रोक भी नहीं सकते हैं। आज्ञा हो अन्नदाता। महात्मा को अपने साथ नागौर के राजमहल ले जाओ और वाइन की भेंट सामंत मीर हसन से करवा दो। जो आज्ञा अन्नदाता। अच्छा महाराज, अब दरवेश को इजाजत दीजिए। महात्मा जी, आशा है कि आपके दर्शन फिर होंगे। जरूर जरूर महाराज, मैं मशकूर हूं आपका कि आपने मेरी मुराद पूरी कर दी। आइए। महाराज एक बात कहूं। हाँ कहिए ना रानी साहब। ये महात्मा कम और जादू टोना करने वाले तांत्रिक ज्यादा लगते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आपने देखा नहीं, उनकी आंखों में एक विचित्र प्रकार की चमक थी। तेज और चमक तो हर महात्मा की आंखों में होती है, उनकी आंखों में सम्मोहन भी होता है। नाना साहब हम आ गए। अरे पुत्र पृथ्वीराज। प्रणाम नानी साहब। जीवता रहे पुत्र। प्रणाम बाबा। प्रणाम नानी साहब। आयुष्मान बाबा। प्रणाम नाना साहब। आयुष्मान बाबा। पुत्र जी, तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता बता रही है कि तुम्हारा अभियान सफल हुआ है। हाँ नाना साहब, दोनों ही अभियान सफल हुए। दोनों ही अभियान। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि हमने जयचंद का राजसूय यज्ञ भंग कर दिया है।